हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। 8:15 हो रहे सुबह के, घड़ी ऊपर ही है। अभी बनाऊंगी चाय और इधर जा रहे हैं लोग रेडी कर रहे हैं। आशु जा रहा हॉस्पिटल। मम्मी बना रही है उसका नाश्ता। कायरो का भी खाना खिलाया जस्ट, और बहुत चहक रहे हैं। कायरा सुन रही है, मुंडी घुमा कर देख रही है। कायरा क्या कह रहा है बाबा? यश आनंद का वीडियो चल रहा है। आरती ने तो बताया नहीं, हम लोग आए हैं। क्या करने आए आरती? ड्राइविंग। आरती से भी ड्राइव कराएंगे आज, मजा आएगा। रास्ते में लड़ाई हो गई, आरती लड़ाई कर रही थी, उतर के लड़ाई करने लगी। लड़ाई होती है। डालेंगे नहीं, बताएंगे नहीं आपको क्या लड़ाई हुई, नहीं तो आरती बदनाम हो जाएगी। आरती ने पकड़ के मारा एक लड़के को बेचारे को। हम लोग जा रहे हैं ड्राइविंग के लिए, लर्निंग ग्राउंड में जा रहे हैं, लर्निंग सीखने वाले मैदान में। वहाँ जाके सीखेंगे गाड़ी को कैसे चलाते हैं। मैं चलाना सीखूंगी, देखती हूँ चला पाती हूँ या नहीं। कैरी नहीं कर रहा मैं, मतलब क्या प्रोसेस क्या है, क्या टाइम लगता है? क्या है उधर नहीं तो सेम नहीं मिलता है। सेम डे और फीस क्या है? 15,000 दोनों होती है। और कितने टाइम बाद टेस्ट का क्या क्या रहता है? वो पक्का तो 1 महीने बाद होता है। हाँ वैसे टेस्ट के बाद ही पक्का होता है ना। कितने तक वैलिड होता है? अगर मैं लेता हूँ 6 महीने। तो पूरा इधर टेस्ट ड्राइविंग के लिए पेपर बन रहा है और टेस्ट ड्राइव कराते हैं लोग। अभी डर रहा बाकी सब उसी को समझा रहा है। सब गलत काम कर रहे हैं। पीछे देखो भीड़ लगी है ना, पीछे ये देखो, पीछे जो भीड़ लगी है गलत काम कर रहे हैं ये लोग लाइसेंस के चक्कर में। तो हम लोग वहाँ गए पूछने की क्या हो रहा है क्या नहीं। पागल हो गया पूरा, क्यों वीडियो बना रहे हो, क्यों वीडियो बना रहे हो, डिलीट करो डिलीट करो। मैंने बोला शक्ल मैंने ली ही नहीं किसी की, मैं तो ऐसे सामने ऐसे बात कर रही हूँ कि कोई किसी का फेस ही ना दिखे उसमें। समझ नहीं है लोगों को। नहीं तो आप गलत काम क्यों कर रहे हो? ऊपर से बदतमीज से बात कर रहा है और ऐसे हरकतें कर रहा है। और ड्राइविंग हमने नहीं की क्योंकि यहाँ पे पानी लगा हुआ, पूरा मैदान भरा हुआ है पानी से, कीचड़ कीचड़ हो रखा है। तो घर जा रहे हैं सीधे अब। माओ के चक्कर में वो जो माओ है ना, वो हमारा माओ बेचारी गाय है, माओ बना देगा। गाय कुछ नहीं करती, प्यारी होती है। ऐसे ऐसे करोगे तो जब सिंह मारेगी ना तो ऐसे। अरे भाई गांव में रही हो डरती है। जा रहे हम लोग माओ लेने। माओ आज बनेगा डोसा और इडली, आज होगी पार्टी घर में है ना। सुबह से दो लड़ाई कर चुकी है, दो लड़ाई हो गई यार, मूड खराब जाता है। ब्लॉग नहीं बनाने देते लोग यार, डरते हैं क्योंकि गलत काम करते रहते हैं तो मन में डर रहता है। सुबह सुबह ना ऐसा क्या होता है ना, मोबाइल से हम शूट करते हैं तो लोगों को लगता है मोबाइल से क्या रिकॉर्डिंग हो रही है। जो और अदर ब्लॉगर होते हैं वो अपना कैमरा लेके चलते हैं तो कैमरे पे तो लोगों का फोकस होगा, कैमरे में हमारे मजा आएगा ये वो। बट अगर मोबाइल से आप कुछ करो तो उनको लगता है ये तो क्या कर रहे हैं, कहीं पोस्ट ना कर दे, किसी को भेज ना दे। तो ये इशू होता है, लोग मौसम मना करते हैं। तो सुबह से दो लड़ाई हो गई हमारी। लड़ाई क्या, गहमागहमी बहस आर्गुमेंट हुआ। मन में चोर होता है तो लोग डरने लगते हैं, जो नॉर्मल होते हैं नॉर्मल रहते हैं।
साउथ इंडियन कॉलोनी है ये, इधर पूरे आपको साउथ के लोग मिलेंगे। तो यहीं से मॉल लेके जाते हैं। माओ तो बताओ ना तुम, मुझे तो माओ माओ बोला है भाई। लेकिन सड़ नहीं गया ये, गंदा तो ड्राई है ना, सुखा दिया ना, पानी निकल गया ना उसका। यहाँ से हम माओ लेके जाएंगे। ये वाला मंदिर जो हम लोग आए थे, किधर जाना है? हाँ तो सीधे सीधे ही आ गया, सीधे सीधे हम उधर से टर्न होके जा रहे थे, ये मेन रोड से सीधे ले लिया हमने। माओ दिखाओ, माओ 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 बोल रही है, इसके अंदर है वो बैटर है आटे का, आटे का की उसका चावल का आटा है, चावल का आटा जिससे डोसा और इडली बनता है। तो मम्मी माओ बोलती है तो मैं भी माओ बोलती हूँ। ये तो सीधे सीधे रोड पर ही आ गया, ये रही गाड़ी। लो आपका माओ भी आ गया, सब्जी भी ला लिया। 11 बज गया, नहा लिया मैंने, अब नाश्ता करूंगी। पराठा बनाया है और बनाया है भिंडी, और इधर सासू मत तैयारी कर रही है सांभर और डोसे की। अभी से क्यों कर रहे हो? नहीं रख रही हूँ, है ना, थोड़ा बिखरा हुआ था ना धनिया, तो लेके जा रहे हैं। बड़ा डाइट मेंटेन कर रही है सासू माँ आजकल, दो रोटी खा रही है, दो नहीं नहीं और लूंगी अभी। डाइट चल रही है इनकी, फुल डाइट मेंटेन कर रही है। बहू से कंपटीशन है इनका। अरे बहू मेरी पत्नी कैसे, बहू से करूंगी तो ऊपर पहुंच जाऊंगी। इनका क्या हाल है, चिकर चिकर करते रहते हैं, अभी खा नहीं खिलाया इनको, सुबह खुद ही खा लिया इतना सारा, मत खिला। देखो भोंदू ऐसे बैठा है, भोंदू एक नंबर का भोंदू ये वाला, अभी सो रहा था। नाने से पहले एक नजर मारी, सो रहा था। क्या कर रहे हो? काम कर रही हो? शनिवार को काम नहीं करते? छुट्टी बंद कर दी। अरे बोलते अब नहीं करूंगी। क्या खाना है? मम्मी पूछ रही है इडली डोसा। मम्मी डोसा कह रही है, गमछा गमछा पसीना नहीं भाई। अरे गमछा रखे लखना, गमछा तुम बावर्ची है ना, इसलिए बावर्ची गमछा गमछा रखते हैं। गमछे मेरे ऐसे क्यों कर रही है, कैसे बावर्ची लोग रखते हैं गमछा। अच्छा और वो कहाँ है? अप्रैल ना, अप्रैल नहीं पहना है, गमछा रखना देसी स्टाइल। पसीना थोड़ी पोंछ नहीं तो गंदा नहीं हो रहा आपका, वो मेरे चटनी का तड़का दिखा दे। आपका पेटू यहाँ पर सामने टकरा रहा है, चटनी का तड़का दिखाओ। आपकी चटनी का तड़का दिखा देते हैं। ओ नाइस, इसको लाइट मिला है थोड़ा सा, चटनी इसमें है बैटर, ये तो बैटर। और इधर है सांभर, ओ लाल चटनी शाम को बनेगी, टमाटर कम है ना। वो खाना नहीं खा रहे हैं, उन्होंने धनिया खाया बस। वो कौन होता है? कोको का है, सो तो रहे हैं। आते आते ही लाल आएगा। या बन गया हमारा डोसा, अब खाएंगे गर्मा गर्म। मिंकू ही लेके चलो, फिर वो कह रही है कि बाल ठीक कर लो, ब्लॉग में आना है। अरे ये क्या बात हुई, फिर अपने ही बोलोगे मैं कैसा दिख रहा था, ऐसा हूँ तो ऐसे दिखूंगा। ठीक है ठीक है, चलो भावुक मत हो, दिल पे मत लो, बाल ठीक कर लो, पूरा मेकअप लाल के। ठीक है ठीक है, चलो हाँ मेरे से करा रही, देखो चलो ले चलो, गिर जाएगा तो ले लो। अच्छा स्पून, अच्छा डोसा बना रखा है मम्मी ने, मुँह में पानी आ रहा है, पानी डोसा इडली के नाम पे। तो मिंकू तो इडली भी आ गई हमारी, व्हाइट मस्त इडली, धुआं आ रहा है। मेरे को बोली बाल ठीक कर, तभी
तो बाल बिखरा रखा है इसलिए बोला मैंने। कैसा लग रहा है बाल, कमेंट करके बताओ। बिखरा हुआ है और कैसा लग रहा है? बिखरा हुआ था, अगली बार से सही कर दो। मेरे डोसा पसंद है। मुझे भी मस्त। इडली एक खा सकती हूँ लेकिन डोसा तो डोसा मजा आता है। ये तो है, ये तो है। मस्त सो जाती, खाना गर्मी में अच्छा लगता। खाओगे? नहीं। अरे खा लो, मैं अभी नहीं खा, बना बना के गर्मी में ना अजीब सा होगा पानी पूरी। कोको के लिए मेडिसिन लेने गए हैं, इसको जो पॉटी हो रही है बहुत गंदी वाली हो रही है, स्टिकी हो रही है, चिपकी रह रही है इसके पूंछ में हमेशा, और एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। कायरा बहुत एक्टिव है, पूरे दिन खाती है, खेलती रहती है, ये पूरे दिन खाता है और सोता रहता है। जहाँ से इसको लेकर आए थे हम लोग इस शॉप से, उस भैया से पूछा कि क्या दें, ऐसे ही मतलब सारे सिम्टम्स बताए इसका हमने भैया को, तो भैया ने बोला कि इसको एक मेडिसिन का नाम बताया है, जिन पानी में देना है खाना खाने के बाद रात को, जब खा के सो जाए पानी पी के। तो मिंकू गया है, वो लेकर आएगा फिर इसको खिलाएंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा, देखो अभी आप लोग देखो कैसे रह रहा है, एकदम ऐसे रहता है और खा रहा एकदम एक्टिव रहती है। तो देखते हैं, होपफुली ठीक हो जाएगा, सुबह तक मेडिसिन देंगे जो पानी में इसको डाल के। तो पावर जिल है, इसको मिक्स करना है पानी में, खाना खाने के बाद पानी देना है, पानी मिक्स करके देना है इसको, लेकिन अभी नहीं देंगे। भैया ने बोला था इसको भूखा रखना है, भूख लगेगी बहुत ज्यादा, जब हम इसको खाना देंगे तो खाएगा और पानी प्यास लगेगी पिएगा, प्रॉपर इसको जाना चाहिए इस पेट में, फिर मॉर्निंग तक ये ठीक हो जाएगा। पूरा ट्रे साफ कर दिया मैंने, अब इसको हम लोग रख देंगे, इसमें देखेंगे कितना गंदा निकल रहा है इनका, खराब है एकदम, खराब हालत खराब है। अभी खाना खिलाएंगे और सारी मेडिसिन है, ये मेडिसिन लेके आए, इसमें मिक्स करेंगे, पहले खाना फिर पानी। पेट खराब है, कुछ ज्यादा ही पेट खराब है इसका, सांस से ही खिलाती हूँ इसको। चलो आओ खा लो, आ जाओ कायरा, कायरा आ जाओ, अब आएगा देखना। कोई नहीं खाना दो उसको, ये तो खा रहा है कोको, गिरा रहा है, खा नहीं रहा, गिरा रहा है भाई, सारा दाना गिरा रहा है। एक डंडी लगाना पड़ेगा जिसपे वो, हाँ। नहीं नहीं हाथ पे आते हैं अभी, हाथ पे आ जाएंगे आराम से, देखो ठीक है। कोको खा लिया, कोको आ गया, खाना देख रहा है पता। अच्छा वगैरह वहाँ कैसे रखा है? इसमें दवा मिक्स कर दिया मैंने, इसकी लिक्विड जो है, और दिखाया तुमने किया कि नहीं किया? मैंने करा है। देखो आ गया, आ गया, पी लेगा, पी लेगा, रुक जाओ। चाहता कैसे, देख रहे हो उसको, देखना उसका स्टाइल, देखो पंछी है कि सांप है। आ जाओ कोको, खबर 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 खा रहा है कोको, दवाई पियो दवाई। तो दिया, खा लिया अच्छे से, पानी दिया, नहीं पी रहा है, वो जो मेडिसिन था उसको डाल के दिया लिक्विड वाला, नहीं पिया, एक बार ठोस लगाया ऐसे तो नहीं पी रहा है, पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा इसको, बहुत बहुत ज्यादा दिक्कत है इसको, देखो ये प्रॉब्लम हो रही है इसे, ठीक कैसे होगा, पानी पी नहीं रहा है, तभी क्या दिक्कत हो गई, पानी नहीं पीना, वैसे नॉर्मल पानी पी लेता है, नॉर्मल पानी दो तो, अभी नहीं पी रहा है। तुमने सोचा छोड़ देते हैं इसको, खाना तो खा ही लिया, टाइम हो गया इन दोनों का सोने का, तो लेके आगे यहाँ रख दिया, और सुबह देखते हैं, नहीं होगा तो पापा इसको अच्छे से साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, मुझे तो पकड़ में आता नहीं, डर लगता है, बच्चे हैं छोटे। तो चलिए इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, अगर पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सबसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।